नमस्कार दोस्तों, डीके मोबाइल केयर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मेरे पास है ओप्पो का A15 सेट है, इसमें पासवर्ड लॉक है। तो दोस्तों ये सेट को हार्ड रीसेट करके देख लिए, हार्ड रीसेट से भी नहीं अनलॉक हुआ, तो आज हम इसको अनलॉक करेंगे। तो बढ़ते हैं लैपटॉप की ओर। दोस्तों सबसे पहले किसी सेट को अनलॉक करने से पहले इसका CPU पर पता करना होता है कि ये कौन सा CPU है। तो इसको हमने चेक कर लिया है, ये MediaTek का है। तो हम इसको मल्टी टूल ओपन करेंगे UMT का। तो हमने टूल ओपन कर लिया है और टूल एंड FRP में जाएंगे, मल्टी टूल का जो टूल एंड FRP है उसमें जा करके इसको मॉडल नंबर है, मॉडल नंबर सेलेक्ट करके फॉर्मेट करके देखें। ये देखिए दोस्तों, हमने मॉडल नंबर सेलेक्ट कर लिया है, इसको फॉर्मेट करते हैं और सेट को कनेक्ट करेंगे। बने रहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा फॉर्मेटिंग डन हो चुका है, तो सेट को हम ऑन कर लेते हैं, ऑन कर लिए हैं और देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, सेट हमारा ओके हो चुका है। तो इसमें जो FRP लगा हुआ है, तो FRP हटाने के लिए आपको कोड इस्तेमाल करना है। तो देखिए हम कोड इस्तेमाल करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए FRP लगा हुआ है। तो दोस्तों ओप्पो का जो सेट है एकदम लेटेस्ट सेट में तो काम नहीं करता है FRP का कोड, लेकिन बहुत सारे सेट में इमरजेंसी में जाके आप *813 करेंगे तो ये हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों ये सेट हमारा डन हो चुका है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपने अभी तक DK मोबाइल केयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।